सो आज हम चैप्टर 13 नेचर डेंजर एंड कॉन्शियसनेस के श्लोक 35 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रा क्षेत्रज्ञोर इवाम अंतराम ज्ञाना चक्षुषा भूता प्रकृति मोक्षाम च ये विदुर्यन्ति ते पराम। Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body and can also understand the process of liberation from bondage in material nature attain to the supreme goal. तो जो those who see with eyes of knowledge अपने ज्ञान के नेत्र से चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। एक बोलते हैं कि ऐसे ही आपका एक होता है कि आँख जिससे कि आप देख सकते हो, और दूसरा होता है आपका ज्ञान का आँख जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, सो जो ज्ञान का आँख होता है, नॉलेज द डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द नोअर ऑफ द बॉडी, जो हमारा बॉडी है और बॉडी के अंदर का जो सोल है, कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज। वो समझ सकता है, जब भी आप ज्ञान के नेत्र से देखते हो, मतलब ज्ञानी बन जाते हो, तो अब लिबरेशन का मतलब फ्रीडम का मतलब या चीज़ों से मतलब कैसे आप आत्मा कैसे शरीर से अलग होता है, ये सब चीज़ों का मतलब आप अच्छे से समझ जाते हो। वन शुड रिकोगनाइज द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन एज डिस्क्राइब इन द वर्सेज 8-12, देन वन कैन गो ऑन टू द सुप्रीम डेस्टिनेशन। ठीक है, अच्छा ये मैं एक्सप्लेनेशन में चली गई एक बार में, लेकिन अटेन द सुप्रीम गोल मतलब हमें अपने शरीर से निकल करके आत्मा से जो मतलब आत्मा जो शरीर से निकल करके परमात्मा से जो मिलन होता है, उसके बारे में जब हम समझ जाते हैं तो हम इस प्रोसेस ऑफ मुक्ति जो भी होता है उस चीज़ को क्लियरली समझ पाते हैं। द पर्पज ऑफ द 13 चैप्टर इज दैट वन शुड नो द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉडी द नो ओनर ऑफ द बॉडी एंड द सुपर सोल। हमारे बॉडी, बॉडी के अंदर जो सोल एंड जो सुपर सोल है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता रहना चाहिए। वन शुड रिकॉग्नाइज द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन एज डिस्क्राइब इन वर्सेस 8-12। 8 से लेकर 12 वाला जो वर्स अभी तक मतलब पढ़ा गया था, उसमें इसी के बारे में ज़्यादा करके बोला गया है। देन वन कैन गो ऑन टू द सुप्रीम डेस्टिनेशन। ये सही से करने से वो सुप्रीम डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। मैं एक बार बता देती हूँ 8 से 12 तक के श्लोक में क्या क्या चीज़ें थी, ताकि थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप जैसा हो जाए। यहाँ पे 8 से 12 वाला श्लोक में बोला था कि जिसके अंदर ह्यूमिलिटी, प्राइडनेसनेस, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी, अप्रोचिंग बोनाफाइड स्पिरिचुअल मतलब जो एक गुरु के पास में जाते हैं, जो क्लीन रहते हैं, स्टडी रहते हैं, अपने अंदर को कंट्रोल करते हैं, रिनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब फ़ायदे के लिए चीज़ें नहीं करते हैं, एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो जिसके अंदर ईगो नहीं होता है, द परसेप्शन ऑफ द ईविल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, डिटैचमेंट, फ्रीडम फ्रॉम एंटैंगलमेंट विद द चिल्ड्रन, वाइफ, होम एंड द रेस्ट, जो अपने सारे उलझनों से खुद को दूर रख पाते हैं, इवन माइंडेडनेस अमंग प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट सिचुएशन, हर सिचुएशन में ही जिसका दिमाग काम करता है, जो खुद को हमेशा डिवोशन को जो प्योर एंड कॉन्स्टेंटली बना के रखता है, ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ही डिवोशन नहीं करता। जैसे मुझे किसी ने बोला था टैरो गाइडेंस जिनको मैं देती हूँ, कि अगर मेरा ये काम नहीं बना तो मैं हनुमान जी का पूजा नहीं करने का बोला था उसने। ठीक है, सो मैंने बोला ऐसा कभी भी गलती मत करना, भगवान चाहे तुम्हारी इच्छा पूर्ण करे चाहे ना करे, तुमको भगवान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी इंसान ऐसे क्या बोलते हैं स्वार्थी प्यार करता है भगवान से, मतलब ही प्यार करता है भगवान से, वो हमेशा ही दर्द में रहता है। ठीक है, सो एक्सेप्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड फिलोसॉफिकल रिसर्च ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो इस चीज़ को ही हम 8 से 12 वाला श्लोक को थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है जो 8 से 12 वाला श्लोक को अच्छे से मेंटेन करते हैं वो भगवान को प्राप्त करते हैं। तो जो सही अपने आप को जान पाते हैं, जो सारे सच्चाई के बारे में रिसर्च करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, भगवान हमेशा ही उनको पसंद करते हैं एंड उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। एंड सारे जितने भी इग्नोरेंस में क्यों ना आप हो, धीरे धीरे आप सारे चीज़ों को प्राप्त कर लेते हो, आप धीरे धीरे भगवान के एकदम करीब हो जाते हो और आपके सारे सिचुएशंस ना इतने अच्छे से अलाइंड हो जाते हैं ना, आपको समझ में आने लगता है कि अच्छा ये चीज़ इस वजह से नहीं हो रही थी, इस वजह से हो रही है और इस वजह से होगी, इस तरीके से आप समझने लग जाते हो। अ फेथफुल पर्सन शुड एट फर्स्ट हैव सम गुड एसोसिएशन टू हियर ऑफ गॉड एंड दस ग्रेजुअली बिकम एनलाइटन। सत्संगत, अच्छा संगत रहने की जरूरत है। एक
सच्चे इंसान को हमेशा सत्संग में रहना चाहिए ताकि उसका जो है ज्ञान वृद्धि हो। अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो कि हमेशा ही गाली गलौज करता हो, गंदी बातें बोलता हो, तो वो इंसान के साथ रह करके आपकी कोई ग्रोथ नहीं होगी। हमेशा ही जो सत्संग ऐसे, लेकिन बोला गया था ये चीज़, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है कि किसी ने बोला था, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंस्टाग्राम में, कि वो जब भी ऐसे वैष्णव तिलक करके रहती है जनरली, तो जब भी वो कहीं जाके बैठती है, लोग अगर स्मोक करते हैं उसके सामने से हट जाते हैं, कोई उसके सामने कोई गाली गलौज नहीं कर पाता है। लेकिन मैंने अपने साथ ऐसा कभी नहीं देखा, मैंने अपने फैमिली में, चाहे दोस्तों में, चाहे लोगों में, चाहे ऐसे मैंने देखा है बहुत कि लोग जो है ना मेरे सामने आराम से गाली गलौज कर लेते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे जानने की बहुत इच्छा है कि मैं इतने प्योर तरीके से रहने के बावजूद ऐसा क्यों होता है, तो ये भगवान ही बताएंगे शायद कभी। इफ़ वन एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, अगर उसके पास में गुरु है, वन कैन लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, उसको मतलब जड़ पदार्थ और जीवित चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने आ जाएगा, एंड दस बिकम द स्टेपिंग स्टोन फॉर फर्दर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, तो उसको आगे चल के और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए भी समझ में आ जाएगा। अ स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं बाई वेरियस इंस्ट्रक्शंस टीचर्स ए स्टूडेंट्स टू गेट फ्री फ्रॉम द मटेरियल कंसेप्ट ऑफ लाइफ, जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो उनको बहुत सारे चीज़ों से निकलने के लिए मदद करते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट से निकलने के लिए मदद करते हैं। अ स्पिरिचुअल मास्टर बाई वेरियस इंस्ट्रक्शन टीचर्स द स्टूडेंट्स टू गेट फ्री फ्रॉम द मटेरियल कंसेप्ट ऑफ लाइफ। फॉर इंस्टेंस इन भगवद गीता वी फाइंड कृष्ण इंस्ट्रक्टिंग अर्जुन टू फ्री हिम फ्रॉम मटेरियलिस्टिक कंसिडरेशंस, जितने भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं कि ये अगर मर जाएंगे तो क्या होगा, दादाजी को दर्द होगा, इसको फैमिली मेम्बर से, इतने से सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ें वो सोच रहा था, कृष्ण उनको सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहने के लिए बोल रहे थे। वन कैन अंडरस्टैंड दैट द बॉडी इज़ मैटर, इट कैन बी एनालाइज्ड विथ, अच्छा शरीर मर जाएगा तो क्या होगा, शरीर तो नहीं मरेगा, मतलब मर जाएगा मतलब ख़त्म हो जाएगा, आत्मा तो नहीं मरेगा, वो आत्मा ही है जो शरीर को चला रहा है, तो आत्मा तो चलता रहेगा। सो वन कैन अंडरस्टैंड दैट द बॉडी is matter, it can be analyzed with its 24 elements, जो हमारा शरीर है उसके अंदर 24 elements है the body, ये पहले मैंने एक श्लोक में पढ़ा था, हर 24 elements को मतलब बोला जा रहा था ये element है। the body is the gross manifestation and the subtle manifestation in the mind and psychological effects, जो body है वो gross manifestation मतलब वो हर चीज़ को मिला करके वो manifest हुआ है, एक wish fulfillment जैसा है, एक perfect body मतलब एक perfect manifestation, परफेक्ट इच्छा। अगर शरीर का कोई भी अंश नहीं चलता हो तो वो इनकम्प्लीट है ना, वो प्रॉब्लमेटिक है। एंड द सटल मैनिफेस्टेशन इज़ द माइंड, माइंड जो है वो सटल मैनिफेस्टेशन है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, क्योंकि शरीर दिखता है, माइंड तो क्या चल रहा है दिखता नहीं है ना, तो वो सटल फॉर्म में रहता है हमेशा। एंड द सिम्टम्स ऑफ लाइफ आर द इंट्रैक्शन ऑफ दीज फीचर्स, बट ओवर एंड ओवर दिस देयर इज अ सोल एंड देयर इज ऑल्सो द सुपर सोल, जो हमारे अंदर एक सोल रहता है उन सबके अंदर एक सुपर सोल होता है। द सोल एंड द सुपर सोल आर टू, द मटीरियल वर्ल्ड इज वर्किंग बाई द कंजंक्शन ऑफ द सोल एंड द 24 material elements. One who can see the constitution of the whole material manifestation as this combination of the soul and material elements and can also see the situation of the supreme soul becomes eligible to for transfer to the spiritual world. तो जो इंसान अपने soul और वो super soul को देख पाता है, समझ पाता है, one who can see the constitution of the whole material manifestation, अपने अंदर की पूरे world की जो manifestation है वो किस तरीके से हुई है, जो ये धीरे धीरे समझ पाता है या देख पाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सोल एंड मटेरियल एलिमेंट्स, सोल के साथ में मटेरियल एलिमेंट्स कैसे कनेक्टेड है, एंड कैन ऑल्सो सी सिचुएशन ऑफ द सुप्रीम सोल, जो सुप्रीम सोल को भी समझ पाता है, बिकम्स एलिजिबल फॉर ट्रांसफर टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर होने के लिए एलिजिबल हो जाता है। दीज थिंग्स आर मेंट फॉर कंटेम्पलेशन एंड फॉर रियलाइजेशन एंड वन शुड हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फॉर दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, तो जो स्पिरिचुअल मास्टर के साथ में रहेंगे उनके सानिध्य में रहकर ये पूरे चैप्टर को वो समझ जाएंगे, जैसे कि हमने मतलब पढ़ करके समझा है। मैं अपने आप को स्पिरिचुअल मास्टर तो नहीं कह सकती, बट भगवान ही है जो शायद जितना बुद्धि दे रहे हैं उस हिसाब से मैं खुद को समझ के, हम एक डिस्कशन में हैं, मैं खुद समझ के सामने वाले को समझा रही हूँ, ठीक है। सो यही है कि खुद को समझा के जितना समझा पा रही हूँ वही है हम डिस्कस कर रहे हैं। आप अगर अपने तरफ से हर श्लोक को अपने से पढ़े हुए हैं या पढ़ के कोई इनपुट देना चाह रहे हैं तो वो भी बेझिझक कर सकते हैं। यही तक ख़त्म होता है हमारा 35 नंबर श्लोक एंड दी 13th चैप्टर, दस एंड दी भक्ति वेदांत पर्पस टू द 13th चैप्टर ऑफ द श्रीमद भगवद गीता इन द मैटर ऑफ नेचर, द इंजर्ड एंड द
कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो ये क्या क्षेत्र, क्षेत्र ज्ञाना और उसके बारे में कॉन्शियसनेस. यही तक हो गया आज. अगले दिन से हम श्लोक नंबर 1 ऑफ चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 14 है द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, जो हमारा है इग्नोरेंस, गुडनेस एंड पैशन. इस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा मुझे जितना समझ में आ रहा है. इसमें कितने श्लोक रहेंगे मैं लगभग देख लेती हूँ, मुझे ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कितने श्लोक है कितने श्लोक है. फिर वह देख लेते हैं. अच्छा, इसमें 27 श्लोक्स है, तो ये तो इसी महीने या अगले महीने के शुरू शुरू तक ख़त्म हो ही जाएगा. ठीक है, सो ये हो गया आज का. थैंक यू. हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम.